और दिल्ली में हिंसा के बीच शाहीन बाग पर सुनवाई टल गई है, इस खबर पर जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आजम खान और उनकी पत्नी और बेटे। 2 मार्च तक इन्हें जेल में ही रहना होगा। आजम खान पत्नी और बेटे को 2 मार्च तक जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में ये तीनों भेजे गए हैं, 2 मार्च तक इन्हें जेल में ही रहना होगा। तो आजम खान पर यह बड़ी कार्रवाई, पत्नी और साथ ही बेटे सहित उन्हें जेल भेज दिया गया है। 2 मार्च तक जेल में ही आजम खान को रहना पड़ेगा। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं आजम खान। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार, पहले तो ये बताइए, किस मामले में आजम खान जेल भेजे गए हैं पत्नी और बेटे समेत? देखिए, ताजा मामला तो उनके बेटे के 2 जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र का मामला था, लेकिन 88 मामले चल रहे थे आजम खान उनकी पत्नी पर, और लगातार कोर्ट के बार बार बुलाए जाने के बावजूद वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे। आज इस मामले की सुनवाई हुई है और जो मुख्य मामला आज इस मामले में सुना गया है वो अब्दुल्ला आजम खान जो उनके बेटे हैं उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था, लेकिन कई मामलों में अदालत लगातार इन्हें बुला रही थी और वो हाजिर नहीं हो रहे थे। आज जबकि तीनों लोग एक साथ हाजिर हुए और इन्होंने अपनी जमानत अर्जी भी लगाई थी कई मामलों में, आज कोर्ट ने उस जमानत अर्जी को मंजूर नहीं किया है और 2 मार्च तक ये न्यायिक हिरासत में ये पूरा परिवार भेज दिया गया है। आज का जो मुख्य मामला था वो 2 जन्म प्रमाण पत्रों का था, लेकिन साथ साथ वो तमाम मामले भी थे जिसमें बार बार बुलाए जाने के बावजूद वो हाजिर नहीं हो रहे थे। नेहा, 2 मार्च तक जेल और उसके बाद क्या कार्रवाई? कुमार, इस मामले में कोई जानकारी मिली है? देखिए, फिलहाल 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, यानी कि पूरा परिवार को जेल जाना होगा, लेकिन 2 मार्च के पहले अगर ऊपरी अदालत कुछ राहत दे, क्योंकि जो जिला अदालत है उसने इनकी जमानत को मंजूर नहीं किया है, अब इनके पास हाईकोर्ट जाने का ऑप्शन होगा। अगर इन्हें ऊपरी अदालत से राहत मिलती है तो शायद पहले भी ये इनकी रिहाई हो सकती है, लेकिन जो जिला अदालत है उसने 2 मार्च तक इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने को कहा है, यानी कि पूरा परिवार इस वक्त अब जेल भेजा जाएगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से अब 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में अपने बेटे और पत्नी समेत रहना होगा आजम खान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।